जरा सोचिए उस शख्स की हालत क्या हुई होगी जो सड़कों की सफाई कर अपना घर चलाता है और अपनी तनख्वाह से पूरे घर का खर्च चलाकर किसी तरह गुजर बसर कर रहा हो, लेकिन एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर हुई दस्तक उसकी जिंदगी पर पहाड़ बनकर टूट पड़ती है और उसको थमा दिया जाता है करोड़ों रुपए के लोन की वसूली का नोटिस। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वाकया है गुजरात के वडोदरा का, जहाँ वडोदरा नगर निगम के एक सफाई कर्मचारी को पंजाब नेशनल बैंक से 16 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस आता है। साथ ही भुगतान न करने पर प्रॉपर्टी को सील करने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि शांति लाल ने ऐसा कोई लोन लिया ही नहीं है। वही इस मामले में बात करते हुए शांति लाल सोलंकी और उनके परिवार के वकील नीरज जैन ने कहा कि हो सकता है कि शांति लाल सोलंकी का आधार कार्ड किसी और ने इस्तेमाल किया हो। इस नोटिस से शांति लाल और उनके परिवार की मानसिक शांति छिन गई है, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो 16 करोड़ 50 हजार और समथिंग रुपए की नोटिस वडोदरा महानगर सेवा सदन में सफाई का काम करने वाला शांतिलाल सोलंकी को ये जो नोटिस मिली है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके पास सिर्फ 30,000 की आवक हो, तनख्वाह हो, उसका घर 3-4 लाख का हो, वो ये नोटिस देख के पढ़ के उसकी मन की हालत क्या हुई होगी। उसके परिवार में उसकी माँ, अरे उसकी पत्नी वो बीमार है, हो गई है, उसके बहनों जो साथ में रहते हैं वो हॉस्पिटलाइज है, उसका घर का माहौल एकदम तंग है। मगर ये जो नोटिस जिसने भी दी है या दिलवाई है या कार्यवाही की है या किसी ने लोन अगर दी हो तो अपने को पता नहीं है, आज शाम तक कागज सब आएंगे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भी किया है शायद उसका आधार कार्ड का यूज़ किया हो किसी ने, या तो गलत तरीके से कलेक्टर कचहरी में से ही नोटिस आने, क्योंकि वडोदरा शहर के मामलतदार और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पूर्व उन्होंने ये नोटिस दी है, यानी गवर्नमेंट की ओर से नोटिस आई है। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस प्रारंभिक रूप से प्राइमा फसे देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि आरसी दत्त रोड की जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है वो प्रॉपर्टी उसकी है नहीं, शांतिलाल की, शांतिलाल का नाम है मगर प्रॉपर्टी उसकी है नहीं। उसकी वही नोटिस मिलने के बाद से शांतिलाल और उनका पूरा परिवार चिंता में है। सफाई कर्मी को नोटिस में सिर्फ 4 मई तक का वक्त दिया गया है। कर्ज की कुल वसूली 16,50,000 रुपए बताई गई है। नोटिस की जांच में सामने आया है कि आरसी दत्त रोड पर स्टर्लिंग सेंटर की संपत्ति के नाम पर कर्ज लिया गया है, जिसके बारे में शांतिलाल कुछ जानते तक नहीं। बहरहाल आशंका जताई जा रही है कि ये लोन एक घोटाला है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शांतिलाल को मिले इस नोटिस पर जांच में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और शांतिलाल के घर में शांति वापस कब आ पाती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।